अस्सलाम वालेकुम जानेस, कैसे हम सब? मुझे सब खैरियत से होंगे। या तो आज हम बनिशो बनिचो के होम डिलीवरी, जो बनिशो होम डिलीवरी शो है यार, आज हम उस पे जो हम वो रिएक्शन देने वाले हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है ना, इन दोनों का इंटरव्यू है यार, एक तो काफी ज्यादा अच्छी ये वीडियो होगी यार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट चाहिए कि यार चांगीलाल ने हमारे आप ज्वाइन कर लें, से हमें बहुत रेस्पॉन्स मिलती है यार। तो दोस्त के साथ एक शर्त लगी है यार, एक बेल्ट लगी है, 3K तक हो जाएंगे यार मेरे 2 मंथ में यार, इनके ये वाला मंथ एक अगला मंथ। तो यार जल्दी से शेयर कर दो यार चैनल पे, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके यार। तो करवा दो जल्दी तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ। सबसे पहले मुबारकबाद, शो की ओपनिंग इतनी बेहतरीन आई है और ऑडियंस का प्यार एक्चुअली हम देखें तो प्रोमोस के बाद ही मिलना शुरू हो गया था। काफी सारे रील्स एडिट्स बन रहे थे, किस तरह से फील होता है व्हेन फैंस यू नो इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं, शो को इतना प्यार मिलता है शुरुआत से ही। व्हाट डू यू वांट टू से प्रविश तेंदुलकर? आई एम श्योर बोथ ऑफ अस हैव द सेम थिंग टू से कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पहली चीज मतलब प्रोमो से जो प्यार मिलने लगा, तो उससे पहले ही हो गया कि हाँ लाइक पीपल आर लाइकिंग, जो सुगबुगाहट होती है प्रोमो के बाद वाली वो बहुत अच्छी थी। सो दैट मेड अस फील गुड। और पहला प्रोमो बहुत जल्दी आ गया था, उसके बाद काफ़ी डिले डिले होता गया, तो हम भी धीरे धीरे मतलब एक्साइटमेंट बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, और फिर जब फाइनली जो एक फाइनल प्रोमो आया हमारा पहला अच्छा वाला प्रोमो, पड़ा वाला प्रोमो, तो वहाँ से अच्छा खासा लाइक थिंग्स पिक्ड अप और फिर मज़ा आना शुरू। रोलर कोस्टर था हमारे लिए एक्चुअली तब से ले रहे, अभी शुरुआत एग्जैक्टली मतलब हमारे लिए शो शुरू होने से पहले कितने सारे अप्स एंड डाउन्स हो गए थे, तो शो शुरू होने के बाद फिर जो अप हुआ ओपनिंग टीआरपी, तो दैट वाज वेरी नहीं, बट हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि रिस्पॉन्स हमारे लिए एक प्रोत्साहन रहा, कि हम हाँ, तो उसे एक मोटिवेशन लेते हैं, पुश था कि चलो हाँ अब और करो, कि एक वैलिडेशन था कि हाँ आपका अब तक सब सार्थक, कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। वेल ये प्यार बना रहे यही चाहेंगे। एंड उनका टेलीविजन किया, साउथ की तरफ गई और काफी वक्त बाद हम आपको टीवी पर देख रहे हैं, क्या कुछ रीजंस टू डू दिस शो, टू डू दिस कैरेक्टर? मैं बनी हाँ हाँ बिल्कुल प्रवेश, बैरिस्टर बाबू का इंतजार था कब ये फ्री होंगे। अभी सच बताएं नहीं, मुझे लगता है मैं बनी जैसे किरदार का ही वेट कर रही थी। मैंने हमेशा से अपने आप को, मैंने एक्ट रोल्स ही मेरे मोटिवेशन रहे हैं, मैं मानता हूँ, मैं पूरी तरह से तो नहीं, आप हाँ, तो लगे पहली झांसी की रानी करना उसके बाद और भी अच्छा, काफी अलग अलग तरह के भी रोल्स किए मैंने, पर टीवी पर ही, टीवी पर ही मैंने किरदार किया था खेलती जिंदगी में अमी, गुजराती लड़की का टीनेज कहानी थी, फिर बाद में देवी, उसके बाद सीधा मैं देवी बनी थी पार्वती, और फिर सभी अक्षक्ति पीठ की देवियों का को निभाया आशीर्वाद और पर फिर बाद में टेलीविजन पर अगर मुझे वापस आना था तो एक उसी माइलस्टोन या उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए, तो बनी वो किरदार था मुझे लगता है जिसमें वो बात थी, जिसे मैं पूरी तरह जस्टिफाई कर पाऊंगी। कर रही है थैंक यू सर। सर सबको ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑडियंस कह रही है जल्दी, जो मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ ठीक है। एंड प्रवेश योर कैरेक्टर, मतलब एक काफ़ी अलग किरदार है, एक मेंटल चैलेंज का किरदार निभा रहा, उनके इमोशंस को जस्टिस करना, ऑडियंस से कनेक्ट करना, कैसा रहा आपके लिए? काफ़ी डिफरेंट रहा होगा? हाँ डिफरेंट तो खैर रहा है, बट एक्चुअली हम सबके अंदर कहीं बच्चा तो छिपा होता है ना, तो मैंने बस बाकी लोग उस बच्चे को बाहर नहीं लाते, मेरा ये किरदार मुझे हेल्प कर रहा है वो बच्चा बाहर लाने और उसे दिखाने के लिए। सो इट्स फन, इट्स It's amazing. बहुत क्यूट बच्चा है इसके अंदर का एक्चुअली। हमें तो हमें लगता है और हमारी तरह ऑडियंसेस को लगता है, ठीक है। बट हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो सारी समझदारियों को वापस ना समझ बन जाना भी अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रोसेस है, बट मजेदार है। एंड जिस तरह से ट्रैक चल रहा है नियति के साथ शादी का, काफी जो है ऑडियंस एकदम वो हो गई है टेंशन की, अब क्या होगा क्या होगा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? करने दो ना यार, क्या है, क्यों ये बन्नी ये, ये, ये है बन्नी का असली रूप, देखा आप सबने कि चाह रही है दो युवान को फंसने दो, वो कुएं में गिर रहा है उसे जाने दो यार। बन्नी का अभी, बन्नी जा होम डिलीवरी, कितनी चीजें सुबह मुझे उल्का को ना बन्नी के लिए वो टेंशन हो रही है, और कुछ नहीं, प्रवेश को टेंशन हो रही है कि बन्नी और युवान का क्या होगा।
और मुझे युवान की टेंशन हो रही है, मैं भी कह रही हूँ युवान क्यों शादी कर रहा है यार, क्यों? वो तो कह रहा है क्योंकि गलत कुछ 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 ऊपर नीचे है, गलत वाइब्स मिलना, और उस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया है बन्नी ने भी, और युवान को भी कुछ तो अनकंफर्टेबल लगता है नियति के साथ, ऑल दो हमें उस षड्यंत्र या कोई कोई षड्यंत्र अगर है तो हमें पता नहीं, बट हाँ वो शादी से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट अब वो गुड और बैड की लड़ाई है, उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। हाँ देखते हैं, अब तुम्हें विदाई तक तुम हमारा साथ देंगे, फिर वहां से हम टाटा टाटा बॉस। तो यार वीडियो थी यहाँ पर, तुम जो कमेंट में हमने ये बताओ यार, आप ये ड्रामा देख रहे हो कि नहीं देख रहे? काफी ज्यादा मजेदार है यार, बरिश्चर बाबू के बाद और झांसी की रानी के बाद दोनों मिले हैं यार, काफी अच्छा कोलैब हुआ यार इन दोनों का। और आप मुझे ये बताओ आपको कौन सी वाली जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, ये वाली जोड़ी या जो पहले बरिश्चर बाबू वाली जोड़ी है वो वाली यार? तो कमेंट में मुझे ये बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी यार। और हाँ ये भी मुझे बताओ यार, क्या इसमें इनके इसमें बस यही है ना कि लड़की जो होती है वो होम डिलीवरी करती है, लड़का जो होता है वो छोटे माइंड का होता है, बेबी माइंड में हूँ यार। तो कमेंट में आप मुझे ये बताओ यार, क्या ये स्टोरी है ना इन दोनों की? और लव हो जाता है शब होता है, फिर बाद में शादी होती है, समाज इनका साथ देती है कि नहीं देती है, ये भी जरूर बताइए। तो वीडियो थी यहाँ पर खत्म, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना यहाँ रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो 3K तक करवा देना यार प्लीज।